नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी का उपविषय संधि से संबंधित दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, तो शुरुआत करते हैं संधि का भाग दो। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों, संधि जो है वर्णों का परिवर्तित मेल संधि कहलाता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़ना, तो वर्णों का परिवर्तित मेल क्या कहलाता है? संधि। उसके बाद संधि विच्छेद, जो संधि शब्द होता है उसके पुनः टुकड़े करना, जैसे विद्या जमा अर्थी, इसकी संधि होगी विद्यार्थी। और यदि हम विद्यार्थी शब्द के टुकड़े करेंगे, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी शब्द के टुकड़े करेंगे विद्या जमार्थी, तो ये क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद संधि के भेद, बच्चों संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर का स्वर के साथ परिवर्तित मेल स्वर संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ परिवर्तित मेल व्यंजन संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ परिवर्तित मेल विसर्ग संधि कहलाता है। उसके बाद बच्चों स्वर संधि के पुनः पांच भेद होते हैं, जिसमें हम दीर्घ संधि और गुण संधि को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरुआत करते हैं वृद्धि संधि से। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि, वृद्धि यानी विकास करना है, यानी कि ग्रोथ की तरफ जाना, वृद्धि बड़े की तरफ जाना। इसमें कौन सा नियम है? ध्यान दीजिएगा, जब ए आ के बाद ए और आई आएंगे तो वो बड़े की तरफ जाएंगे, वृद्धि करेंगे। दूसरा नियम, जब ए आ के बाद ओ औ आएंगे तो बड़े की तरफ जाएंगे, यानी वृद्धि करेंगे। उदाहरण देखिएगा, सदा, यहां से ए, यहां से आ और इस तरफ से ए, तो इन दोनों के मिलने से आई की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सदैव, यानी कि आई हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, महा जमा ओज, यहां आ और ये ओ, इन दोनों के मेल से बड़े की तरफ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा महोज। क्या हो जाएगा? महोज। इसके बाद चलते हैं बच्चों, हमारा वृद्धि संधि हो चुका है यण संधि की तरफ। यण संधि बच्चों, इसमें जब ई ई ई ई के बाद भिन्न स्वर, यानी इन दोनों से अलग हो, इनका सजातीय ना हो, विजातीय हो, अलग हो, यानी कि ए आ और कुछ भी हो सकता है, इनको छोड़कर भिन्न स्वर हो, तो क्या बन जाएगा? ए। इसके बाद उ उ के बाद भिन्न स्वर हो, माफ कीजिएगा, ए नहीं बनेगा, ये बनेगा। क्या बनेगा? ये। उ के बाद भिन्न स्वर
वेर, और री के बाद भिन्न स्वर रे बनेगा, क्या बनेगा रे। तो ये नियम यह संधि कहलाता है। ई ई के बाद भिन्न स्वर ये, उ उ के बाद भिन्न स्वर वे, री के बाद भिन्न स्वर रे। उदाहरण देखिएगा, इति जमा आदि, यानी यहां जब तय को हलंत लग जाएगा तो ये इस तरफ से ई निकलाएगा और इस तरफ से आ, तो ई और भिन्न स्वर आ गया आ, तो इन दोनों के बीच से क्या बना ये, तो क्या बना यहां से ये ई, और जब यहां से ये निकल जाएगा तो यहां पर आधा तय आ जाएगा। यानी एक नियम होता है, जब यहां से हम हलंत लगाएंगे तो ये पाई कहलाता है, पाई, ये जो डंडा दिख रहा है पाई कहलाता है, और जब यहां से ये स्वर निकल जाएगा तो इस पाई को हटा देंगे हम, और क्या था ये, और ये में जब हलंत में आ मिल जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा आ के डंडे के रूप में, और ये बन जाएगा इत्यादि, क्या बन जाएगा इत्यादि। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ, जब उ के बाद भिन्न स्वर व, देखिएगा सु, यहां पर ये उ आ गया है, यहां पर भिन्न स्वर यानी आदत। अब क्या होगा, यहां से जब उ निकल जाएगा, उ यहां से चला जाएगा तो ये बच जाएगा पाई रहित हो जाएगा, यानी हम ये पाई हटा देंगे, यहां से वो हटने के बाद जो है पाई भी हम हटा देंगे, एक नियम होता है। और इसके बाद जो है वह, अब चूंकि इसमें हलंत है तो इसमें आ मिलने से ये हलंत भी हट जाएगा और आ डंडे के रूप में लग जाएगा, यहां बन जाएगा स्वागत, क्या बन जाएगा स्वागत। इसके बाद री, उदाहरण देखिएगा, री के बाद भिन्न स्वर रह, ये री मातृ जमा आज्ञा। अब यहां से री और ये भिन्न स्वर रे, रे बनेंगे, क्या बनेंगे रे, तो ये बन जाएगा मात्राज्ञा, क्या बन जाएगा मात्राज्ञा। तो ये हमारा यण संधि का नियम था। अब आगे चलते हैं बच्चों, अयादि संधि, स्वर संधि का हमारा आखिरी जो भेद है, अयादि संधि की तरफ चलते हैं। अयादि संधि, ध्यान दीजिएगा, इसमें नियम क्या कहता है, जब ए आई के बाद जब ए के बाद भिन्न स्वर हो तो आए, क्या बनेगा आए। जब आई के बाद भिन्न स्वर हो तो बनेगा आए, और ए ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो बनेगा आओ, और ए आओ के बाद भिन्न स्वर हो तो बनेगा आओ, क्या बनेगा आओ। फिर से सुनिए, जब ए के बाद भिन्न स्वर हो आए, आई के बाद भिन्न स्वर हो आए, और ए ओ के बाद भिन्न स्वर हो आओ, और आओ के बाद भिन्न स्वर हो आओ। उदाहरण देखिएगा, ने ये ए हो गया है और अन यानी ये भिन्न स्वर हो गया है, तो ये अय बन जाएगा, क्या बन जाएगा नयन, क्या बन जाएगा नयन। इसके बाद अय भिन्न स्वर ये गए आए,
क्या बनेगा? गायक। क्या बनेगा? गायक। जैसे गै के नीचे अलंत लगाएंगे तो ये अलंत लगने के बाद और उस तरफ से ए, यानी कि ए और ए दीर्घ स्वर के मेल से आए गायक, आए गायक। इसके बाद ओ और दीर्घ स्वर के बाद जो है मेल से औ बनेगा। जैसे भो प्लस अन, ओ और ए दीर्घ स्वर के मेल से औ, यानी भवन। क्या बनेगा? भवन। इसके बाद पौ यानी औ और ये बेन स्वर, पौ प्लस अप तो ये बन जाएगा पावक। क्या बन जाएगा? ये पावक, पौ जमा अन पावन। तो इस प्रकार यहां हमारे स्वर संधि के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आप जो है जो आपको वर्कशीट दे दी जाएगी वीडियो पर आधारित, वो आप गृह कार्य करके लाएंगे। धन्यवाद बच्चों।